गाइस वेलकम टू प्रिया घर किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बेसन के चीले लेकिन न्यू तरीके से, मेरे स्टाइल से। ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी लंच और इवनिंग स्नैक्स में। ये टेस्टी और हेल्थी भी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने बेसन का चीला बनाने के लिए बैटर बना के रेडी कर लेंगे। मिक्सर जार में डालेंगे एक बाउल बेसन, एक चौथाई बाउल सूजी, हाफ टी स्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच हींग, एक बाउल इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना हम बेसन लेंगे उतना इसमें हमें पानी ऐड करना है। इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। सो इसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया है, इसे एक बाउल में कर लेंगे। सो हमने इसका बैटर रेडी कर लिया है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छे से फ्लफी हो जाए, फूल जाए। अपने बेसन के चीले के लिए मसाला बना के रेडी कर लेंगे। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून देगी मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच काला नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो देखिए हमारा मसाला भी बनके रेडी हो गया है। अपनी स्टफ़ रेडी कर लेंगे। अपनी स्टफ़ रेडी कर लेते हैं। ये मैंने वेजिटेबल्स पहले से ही चॉप करके रखी थी। एक प्याज बारीक चॉप करा हुआ, हाफ शिमला मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है, एक चौथाई गाजर को हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। 100 ग्राम पनीर कद्दूकस करा हुआ इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। इस सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं। ये बच्चों के स्नैक्स और टिफ़िन के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी रेसिपी है। सो हमने इसे मिक्स कर लिया है, अपना चीला बनाना शुरू करेंगे। सो देखिए गाइस हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। सबसे पहले तवे को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तवे पे थोड़ी सी पानी की छींटे लगा देंगे। इसे साफ कर लेंगे किसी कॉटन के कपड़े से या फिर टिश्यू से। जो हमने अपना बैटर रेडी करा था 1 से 1.5 कलची इस पे डालेंगे। देन इसे फैला देंगे अच्छी तरीके से राउंड राउंड करते हुए। ये देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है। इसे हल्का सा ऊपर से हम अच्छे से सिकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। देन इसके चारों साइड लगाएंगे हम ऑयल। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से ऑयल को फैला देंगे। जो हमने अपना स्टफ़ रेडी करा था अपने स्टफ़ को लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे चारों साइड। अपना टमाटर लगा देंगे। हमने जो अपना मसाला रेडी करा था अपना मसाला लगा देंगे अच्छे से चारों साइड। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे हल्का हल्का सा हम प्रेस कर देंगे मसाले को अपने। फिर इसे अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। सो देखिए इसके साइड्स अपने आप ही उठने लगे हैं। चीले को अच्छी तरीके से नीचे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। सो देखिए गाइस चीला हमारा अच्छे से सिक चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से हम कट कर लेंगे। सो इसे इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे आराम आराम से। सो देखिए हमारा चीला कितना अच्छा क्रिस्प सिका है। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अपने सभी को राउंड कर लेंगे।
सो देखिए गाइस, हमारे बेसन के चीले बनके एकदम रेडी हैं। ये देखने में ही कितने यूनिक और टेस्टी लग रहे हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये टेस्टी बेसन के चीले कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।